अस्सलाम दिस इज याकूब आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं ऑटम 2020 क्वेश्चन नंबर फोर शट डाउन डिसीजन का एवेल्यूट द सजेशन ऑफ सी एफ ओ एन सी एस डायरेक्टर एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू द मैनेजमेंट सयाब लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन मैनुफेक्चरिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट बी ए सी ए एंड डी ए कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लॉसेज इन प्रोडक्ट बी मैनेजमेंट इज कंसिडिंग टू डिसकटिन्यू द प्रोडक्ट ऑफ बी ए जब भी कोई प्रोडक्ट डिसकन्टिन्यू किया जाता है तो हमने उसके बेनिफिट्स और कॉस्ट को लैदा कर लेना है कि बंद करने से बेनिफिट कितना होता है और बंद करने से कॉस्ट कितनी आती है अगर बंद करने का बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तो बंद कर दे अगर बंद करने की कॉस्ट ज़्यादा है तो बंद नहीं करेंगे हम रिजल्ट आ गया यूनिट सोल्ड है जी एक लाख पचास हज़ार लास्ट ईयर आपने ज़्यादा बेचे थे दो हज़ार अठारह में रेवेन्यू है रॉ मटेरियल कंजम्पशन है लेबर है वेरिएबल हैड्स है फिक्स है तो हम सब इन सब को अगर मैं यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी एट्रु, एट्रु, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है अट्ठाईस की ट्रिपल जीरो राउंड ऑफ है एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट सात लाख पचास हजार की है सेलिंग एक्सपेंस जो लास्ट ईयर एट थे अभी सेवेंटी है ठीक है टोटल uh, दे दिए इसका मतलब सेलिंग एक्सपेंस थोड़े से कम हुए हैं यूनिट्स कम हुए तो शायद ये भी कम हो गए सी एफ ओ इज ऑफ द व्यू दैट डिस्कटी ऑफ द बी ए सेव ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस बच जाएंगे एक्सेप्ट एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट बच जाएगी इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय टेन परसेंट और ये आपके दस परसेंट क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे यानी कि ये भी सेविंग है ठीक है जी आपका बेनिफिट हो रहा है जी इन अ रिसेंट मैनेजमेंट मीटिंग एस एल सेल्स डायरेक्टर ड्री विदेश डायरेक्टर साहब करने से एक कॉसरी बच जानी है लेकिन बंद करने का नुकसान क्या है अगर तुम कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कमाते थे वो तुम नहीं कमा पाओगे इन अ मैनेजमेंट मीटिंग एस एल सेल्स डायरेक्टर डज नॉट एग्री विद द सजेशन टू डिस्काउंटिन्यू दिस प्रोडक्ट शी इज ऑफ द व्यू दैट बी इज इन हाई डिमांड इन द लोकल मार्केट

और कस्टमर भी हमारे बढ़ जाएंगे अच्छा अब दो चॉइसेस आ गई हैं दो डिसीजन है एक है डिस्कटिन्यू कर दें और एक है बिजनेस को चलाते रहे तो डिस्किन्यू करने का गेन लॉस निकाल लूंगा कंटिन्यू करने का गेन लॉस निकाल लूंगा दोनों को मैं आपस में क्या कर लूंगा कंपेयर कर लूंगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है अब ये कॉन्टिन्यू करने का सारा एक्सपेंस और इनकम दे दी है ख से भरकर एक लाख पैंसठ हजार हो जाएगी सेल्स आपकी यूनिट की बात कर रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर वुड बी हायर एटर्न कॉस्ट ऑफ आठ लाख आपको डिजिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइडर रखना पड़ेगा आठ लाख का खर्चा बढ़ गया आपकी फिक्स अब एक सौ अस्सी हो गई प्राइस आपको कम करनी पड़ रही है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिक रहे हैं एस एल वुस्क्रिप्शन तो लाख दस हजार टू तो जमाल एक्सप्रेस तो टू ऑपरेट एज सेलर आप लोगों ने एक लाख दस हजार भी देनी है इन एडिशन जेई वुड चार्ज टू परसेंट सेल्स कमीशन और दो परसेंट का सेल्स कमीशन भी देना है ये भी एक्सपेंस बढ़ गया जेई आल्सो प्रोवाइड एन एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिलीवरी एंड सेल्स रिटर्न टू इट्स क्लाइंट दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाई पेइंग ईदर एन एन एनुअल लमसम फी ऑफ डेढ़ लाख सॉरी पंद्रह लाख और एन एडिशनल कमीशन ऑफ फाइव परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इफ दिस सर्विस इज अवेल इंटायर फिक्स सेलिंग एक्सपेंस विल बी सेव्ड तो हम अगर इस सर्विस को अवेल तो सारा का सारा सेलिंग एक्सपेंस हमारा जो है वो सेव हो जाएगा फिक्स एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस परिंग टू बी ए वी रिड्यूज बाई जाहिर है ऊपर वाली सर्विस अवेल नहीं करेंगे तो फिक्स कॉस्ट और दस परसेंट कम हो जाएगी और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी एटी परसेंट वुड बी रिड्यूस्ड बाई एटी परसेंट ठीक है रिड्यूस टू नहीं है ये बड़ा ट्रिक खेला हुआ है कहीं रिड्यूस टू है कहीं रिड्यूस बाय है फर्क है अगर रिड्यूस टू एटी परसेंट होता

कॉस्टिंग भी कुछ पॉइंट्स किए हैं तो सबसे पहले तो आ जाएं जी इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने इसको दो चीजों का कंपैरिजन करना है डिसकॉन्टिन्यू करना है या फिर हम लोगों ने कॉन्टिन्यू करना है नए प्रोजेक्ट के साथ तो सबसे पहले आ जाए डिस्कटिन्यू द प्रोडक्ट टिन्यू करते हैं जी अब डिस्कटिन्यू करने से सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा अब एक बात एक प्रोडक्ट जब तुम बेच रहे हो उससे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम अर्न कर रहे हो जब तुम उसको बंद कर दोगे तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन तुम कमा रहे थे अब नहीं कमा पाओगे अच्छा अब कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर के लिए अगर हम देखें हमें सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू और सारी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए अब सेल्स रेवेन्यू और सारी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चीज़ें तो बड़ी आसान है ये देखें यहाँ से मैं कर लूंगा सारा कुछ ठीक है वर्किंग नीचे शो कर भी देते हैं ये इसको डिवाइड करूंगा इसको डिवाइड करूंगा इसको डिवाइड करूंगा इसको डिवाइड करूंगा, करूंगा कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही आसान है मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए मुझे और क्या क्या है जी रॉ मटेरियल लेबर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है मुझे रॉ मटेरियल लेबर ठीक है मुझे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ये सारा कुछ यहां मिल गया ठीक है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी सेलिंग प्राइस है तीस हजार डिवाइड बाई डेढ़ लाख तीस हजार ट्रिपल जीरो राउंड ऑफ के साथ ये तो दो सौ आ गई सेलिंग प्राइस बाकी भी कर लेते हैं बारह हजार डिवाइड बाय डेढ़ लाख है छह हजार डिवाइड बाई डेढ़ लाख है तीन हजार डिवाइड बाई डेढ़ लाख है सबको डेढ़ लाख में डिवाइड करते हैं कैलकुलेट करते हैं यहाँ वर्किंग शो करनी पड़ेगी एट्टी है फोर्टी है ट्वेंटी है ये बारह हजार डिवाइड बाई डेढ़ लाख है छ हजार डिवाइड बाई डेढ़ लाख है तीन हजार डिवाइड बाय डेढ़ लाख अच्छा जी कोई और वेरिएबल कॉस्ट है एक वेरियबल कास्ट और सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस में बार बार जिक्र हो रहा था फिक्स वेरिएबल फिक्स वेरिएबल लेकिन पिछली दफा का भी सेलिंग एक्सपेंस टोटल में दिया हुआ है इस दफा का भी सेलिंग एक्सपेंस टोटल में दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है लास्ट टाइम के यूनिट्स हैं जी सर लास्ट टाइम के यूनिट्स हैं इस साल के यूनिट्स हैं इस साल के यूनिट्स हैं।, हैं इस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट है जी इस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट है जी तो हम क्या करेंगे हम निकाल लेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं यहाँ आज टू 2018 है सो so है। यूनिट्स आ गए सेलिंग एक्सपेंस आ गया। यूनिट्स कितने इस साल के तो मुझे याद है डेढ़ लाख थे और ये 7800 है और एट हंड्रेड था ट्रिपल राउंड ऑफ हजारी बात वन फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी था एट जीरो फाइव जीरो ट्रिपल जीरो आप जानते हैं हमें यूनिट्स का डिफरेंस लेना है हमें इनका डिफरेंस लेना है तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टू फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाय सिक्स टू फाइव जीरो कितना आ जाएगा जी ये चालीस आ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट भी निकाल लो जहाँ इतना काम किया है, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेते हैं सेलिंग फिक्स कॉस्ट है किसी एक के अंदर यूज कर लेते हैं किसी एक के अंदर ये टोटल फिक्स कॉस्ट है हाई लो मेथड है जी वन फिफ्टी थाउजेंड इंटू फोर्टी कितना आ जाएगा जी फिक्स कॉस्ट अठारह लाख की आ जाएगी ये चालीस ऊपर यूज कर लेता हूं मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नेट किया तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया ट्वेंटी का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अगर मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा तो मैं वन फिफ्टी थाउजेंड जो मैंने सेल किए मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे इसके ऊपर लॉस हो जाएगा और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस होगा थ्री मिलियन इन टोटल थ्री मिलियन का मुझे टोटल लॉस हो जाएगा अच्छा उसके बाद वापस चलते हैं जी और क्या होना है मेरी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस बच जाएगा एक्सेप्ट एलोकेटेड फिक्स ये बेनिफिट्स हैं कॉस्ट आ गई नीचे बेनिफिट्स लिख लेते हैं अच्छा जी वेरिएबल कॉस्ट वगैरह तो हम कवर कर चुके हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में देखिए दो तरीके हैं आप कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरकॉन ऊपर ना लिखें आप ऊपर सेल्स फॉरकॉन लिख दें नीचे वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग लिख दें या फिर अगर आपने ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरकॉन लिख दी है तो इसका मतलब आपने सेल्स फॉरकास्ट लिख ली वेरिएबल कॉस्ट का बेनिफिट लिख लिया हो क्या रहा है बिजनेस बंद करोगे सो सेल नहीं कर पाओगे नुकसान है बिजनेस बंद करोगे वेरिएबल कॉस्ट बचा लोगे फायदा है तो नेट नुकसान क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन वो मैंने ले लिया ऊपर अच्छा आपकी सारी फिक्स कॉस्ट भी बच जाएगी कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट बचेगी डायरेक्टली डायरेक्टलीबल सौ बच जाएगी और इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट भी बच जाएगी सेलिंग फिक्स कॉस्ट अभी निकाली थी अठारह सो और इसके अलावा जो एलोकेटेड कॉस्ट है उसके ऊपर एक स्टोरी है

सेव हो जाएगा इंटू टेन परसेंट ग्रोसअप करें दस परसेंट ले लें इसका मतलब तुम्हें कितना बच जाएगा तुम्हें ढाई लाख बच जाएगा नेट इन तीनों को ये ये कॉस्ट है है बेनिफिट तो तुम्हारे पास नेट बेनिफिट कितना आ गया अगर तुम बिजनेस को बंद कर देते हो जी आपके पास बेनिफिट आ जाएगा अठारह लाख पचास हजार का ये नेट बेनिफिट अगर तुम बिजनेस क्लोज करते हो नाउ विल कंपेयर द सिचुएशन अगर हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं वो भी थ्रू ऑनलाइन मोड वो भी थ्रू ऑनलाइन मोड वो देख लेते हैं लेट्स हम ऑनलाइन बेचते हैं दो डसी है दोन पर पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से एक दफा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है जी एक लाख बहत्तर हजार एग्जिस्ट कैपेसिटी है

चलाओगे तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि कुछ बेनिफिट या कुछ प्रॉफिट और लॉस तुम पहले भी कर रहे थे इंक्रीमेंटल तो इतना था इंक्रीज करके बेहतर करके चलाओगे तो से, से, से से प्रॉफिट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है ये वैनिश हो गया प्लस प्रॉफिट आ गया डबल फायदा अभी भी लॉस आता है तो आप इस सिचुएशन से निकल के इधर जा रहे हैं तो नया बिजनेस ही शुरू कर रहे हैं पुराने वाले को ऑनलाइन पे लेकर जा रहे हैं जिसकी वजह से सेल थोड़ी बढ़ जाएगी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी या कॉस्ट भी शायद बढ़ जाए तो हमने इंक्रीमेंटल इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले काम सबसे पहले के ऊपर आए सबसे पहले पॉइंट के ऊपर क्या कह रहा है पिछले वाली सेल दस बढ़ जाएगी और एक का बेचोगे तो ठीक है लास्ट सेल तो आपको पता ही है करंट हां जी लास्ट सेल कितनी है तीस लाख की नए वाली सेल्स कितनी होगी अच्छा नए वाली सेल्स में डेढ़ लाख यूनिट्स पहले बेचे दस परसेंट यूनिट्स बढ़ गए सेलिंग प्राइस एक सौ अस्सी की है क्या लिखा हुआ साफ साफ एक सौ सेलिंग प्राइस है और सेल्स दस परसेंट बढ़ रही है तो आपकी नए वाली सेल्स कितनी हो जाएगी नाइन मिलियन ये आ जाएगा लेकिन इसकी वजह से एक फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है मार्केट सर्विस प्रोवाइडर आपको चाहिए आठ लाख का तो ये नीचे आ जाएगा फिक्स कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइडर आठ लाख का आ गया यहां नेक्स्ट आ जाए जी टू एल एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ऑफ एक लाख दस हजार टू जेई टू ऑपरेट एज अ सेलर और दो परसेंट कमीशन भी है तो दो परसेंट कमीशन ले ले। कमीशन में यहां लिख रहा हूं कमीशन कॉस्ट कितनी आ जाएगी पांच लाख चौरानवे हजार और सब्सक्रिप्शन यहाँ आ जाएगी

तो जल्दी से मुझे बताएं पांच परसेंट कमीशन क्या बनता है ट्वेंटी नाइन का इसका पांच परसेंट कमीशन बनता है जी चौदह लाख पचासी हजार ये लेना है या पंद्रह लाख ये लेंगे सस्ता पड़ रहा है कमीशन आ गया एट फाइव परसेंट ठीक है बेशक आप कंपैरिजन दिखा दे फिक्स फी कितनी थी पंद्रह लाख सेलेक्ट आगे आ जाए फिर क्या कह रहा है फिक्स एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पटेनी टू बी ए वुड बी रिड्यूस बाय टेन परसेंट ऑफ फिक्स तो हमने डायरी सेव कर लिया उसका तो किस्सा ही खत्म हो गया एटी परसेंट रिस्पेक्टिवली वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपका 80 परसेंट क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा वेरिएबल अच्छा जी पहले क्या होता था वेरिएबल एक्सपेंस पहले वाला निकालना पड़ेगा वेरिएबल एक्सपेंस कहीं हमने निकाला था वेरिएबल एक्सपेंस फोर्टी था ना तो पुराने वाला निकाल लो पहले वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस, लाख मिलियन। अब वेरिएट्टी परसेंट हमें सेव हो जाएगा यानी कि अब सिर्फ कितना आएगा ट्वेंटी परसेंट बारह लाख प्लस ऊपर यूनिट्स भी तो बढ़े ना हमारे तो बारह लाख आएगा उसको तो दस परसेंट बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे दस परसेंट यूनिट्स बढ़ गया ना ये तेरह लाख बीस हजार आ जाएगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस ठीक है अच्छा बाकी सारे कॉस्ट ले लेते हैं बाकी सारी भी कॉस्ट ले लेते हैं रॉ मटेरियल लेबर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बाकी सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं ये तीनों कॉस्ट जो है ये अब सिर्फ और सिर्फ दस परसेंट ज्यादा होगी क्यों आपकी कंजम्पशन दस परसेंट बढ़ गई है बारह छह अठारह अठारह इक्कीस लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट बारह हजार प्लस 6000 हजार प्लस नौ हजार और ये अब कितनी होगी दस परसेंट ज्यादा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड अच्छा नेक्स्ट आ जाए लास्ट लास्ट

तो वर्किंग कर लेते हैं स्पोर्ट स्टाफ दो लाख इंटू बारह चौबीस लाख कहते हैं अगर तुम बढ़ाते हो सेलिंग एक्सपेंस बाय टेन परसेंट इंक्रीज़ इन सेलिंग एक्सपेंस दस परसेंट बढ़ा दो भाई तेरह लाख बीस हजार का दस परसेंट लिया एक लाख बत्तीस हजार बन गया अगर ये ऐसा हुआ तो स्पोर्ट्स ऑफ आपका बीस परसेंट आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी नौ सॉरी इस कर लेते रिडक्शन ये कमी हो जाएगी ये आ जाएगा उन्नीस लाख बीस हजार तो ठीक है ना एक लाख बत्तीस हजार बढ़ा रहे से चार लाख अस्सी हजार कम हो रहे हैं ये स्पोर्ट साफ आ गया उन्नीस लाख बीस हजार और ये वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज आ गया एक लाख बत्तीस हजार बाकी ऐसा कुछ रह नहीं गया बाकी सिंपल पुराने वाली कॉस्ट ले, ले नए वाली कॉस्ट लें, ले, नेट करते हैं फिक्स कॉस्ट में कोई बताई तो नहीं है तो फिक्स कॉस्ट हम सारी पुराने वाली ले, ले लेते हैं पहले फिक्स कॉस्ट कितनी तो होती थी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अट्ठाईस लाख अभी भी वही हो जाएगी एलोकेटेड में भी कोई फर्क नहीं है लेना ले वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वो वही रहेगी ये भी फिक्स कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं थी ऊपर लेनी है तो ले लें कोई मसला नहीं है हाँ एक नई चीज जो आई है फिक्स सेलिंग एक्सपेंस होते थे आपको याद होगा पहले याद है अठारह लाख के अब वो नहीं है सारे के सारे बचा लिए हैं आप तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैंने सारी कॉस्ट ले ली है तो प्रॉफिट देख लेते हैं जी तीस लाख में से इक्कीस लाख छह लाख अट्ठाईस सौ सात सौ पचास अठारह सौ तेईस पचास आ गया पुराना ये तो वैसे पहले यही था नया वाला निकालें जी टू नाइन सेवन हंड्रेड माइनस फाइव नाइनटी फोर माइनस वन फोर एट फाइव माइनस माइनस ट्वेंटी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड चलो ये ये भी में चला गया तेरह लाख बीस हजार सिक्स सिक्सो बत्तीस माइनस आठ लाख माइनस एक लाख दस माइनस उन्नीस बीस माइनस अट्ठाईस सौ माइनस सात सौ पचास ये आ जाएगा जी थर्टी थ्री डबल वन ट्रिपल जीरो तो भाई ये तो करंट से भी ज्यादा लॉस हो रहा है तो देखो इंक्रीज इन लॉस कितना है नाइन सिक्सटी वन थाउजेंड सो वी विल रिकमेंड कि भाई बिजनेस बंद ही कर बेहतर है अगर बिजनेस बंद करेंगे 18 लाख पचास हजार बचा लेंगे और ये लॉस भी सेव कर लोगे ये जो तो लॉस आ रहा है ये भी नहीं करना पड़ेगा तो नौ लाख इकसठ हजार प्लस अठारह लाख पचास हजार तुम दो बेनिफिट कमाओगे यहाँ पर अगर तुम बिजनेस बंद कर देते हो ठीक है जी थैंक यू सो मच गाइस